देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24P7। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कृषि मंत्री ने चुनाव प्रबंधन समिति कोर कमेटी के साथ किया बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए दिया मंत्र। अहिरौला आजमगढ़ फूलपुर पवई विधानसभा के सकतापुर स्थित परम पूज्य बाबा बैजनाथ कॉलेज में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। इस दौरान कॉलेज बच्चों में स्मार्टफोन वितरण किया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष मेघना ने शारदा सहायक खंड 32 फूलपुर रजवाहा की क्षमता वृद्धि और फूलपुर में स्थायी मिर्चा मंडी के लिए मांग पत्र कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सौंपा। सर्वप्रथम कृषि मंत्री सूर्य प्रताप के पहुंचने पर भाजपा जनों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लालगंज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति और 5 विधानसभा के कोर समिति के साथ अलग अलग बैठक किया गया है। मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने और चुनाव के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए चर्चा किया गया है। गांव चलो अभियान को ताकत देने के लिए बैठक में वार्ता किया गया है। किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 16वीं किस्त देश भर के 11 करोड़ किसानों को लगभग 30,000 करोड़ उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। नहर की क्षमता बढ़ाने और स्थायी मिर्चा मंडी के लिए दिया गया मांग पत्र। भाजपा मंडल अध्यक्ष मेघना ने शारदा सहायक खंड 32 फूलपुर रजवाहा की क्षमता वृद्धि के लिए और स्थायी मिर्चा मंडी के लिए जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को लाल मिर्च का गिफ्ट देते हुए मांग पत्र देकर पिछली बार दिए गए याद दिलाया है और भरुआ मिर्च किसानों के लिए स्थायी मंडी की स्थापना करने की पुनः मांग किया। कृषि मंत्री ने वितरित किया स्मार्टफोन। परम पूज्य बाबा बैजनाथ कॉलेज के 195 छात्र एवं छात्राओं को स्मार्टफोन कृषि मंत्री के द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर लालगंज अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अरुण कांत यादव, जिला उपाध्यक्ष हनुमंत सिंह, मंडल अध्यक्ष बिमलेश पांडेय, सूरज अग्रहरी, राम मनी यादव, भानु प्रताप चौहान, अजय सिंह, दिनेश जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष ऋषिकांत राय, पंकज राय, अमित सिंह, संजय यादव आदि रहे। सुरक्षा की दृष्टि से फूलपुर क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सर, आज आप परम पूज्य श्री बाबा बैजनाथ महाविद्यालय में आज कैसा कार्यक्रम था? यहाँ लालगंज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति और साथ साथ में विधानसभा से संबंधित जो 5 विधानसभाएं हैं उनके कोर समिति की अलग अलग बैठकें की। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक सक्रिय रूप से काम करने के लिए और मिशन 2024 को पूरा किए जाने के लिए जो दायित्व और कार्यक्रम हैं उनसे उनको अवगत कराया है और साथ साथ में गांव चलो अभियान को ताकत देंगे, वॉल राइटिंग के माध्यम से सभी बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर के वॉल राइटिंग भी करेंगे। अब की फिर एक बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद किसानों का जो है जीवन कैसे बन गया? बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर चल रहा है। अभी 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर के 11 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर 2 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों को लगभग यहाँ पर जो है वो 4,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि अकेले 28 तारीख को पहुंचने वाली है। इतना अच्छा काम सर, सर, सर एक एक मिनट, किस कार्यक्रम के तहत यहाँ आए? ये मोबाइल वितरण हो गया। इससे क्या संदेश, मतलब क्या बताएंगे भैया? आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया आधुनिक बन रही है, आजकल जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़माना है। अगर आपको तकनीक
के माध्यम से आगे बढ़ना है तो मोबाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसमें सरकार और हमारे सभी सहयोगी लोग इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे घर बैठे सारी दुनिया की जानकारी और सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी ले सकें, क्योंकि विद्यालयों में हम वो चीज़ें नहीं पढ़ा सकते जो वो इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। तो क्योंकि जो लोग सक्षम हैं उनके घरों के बच्चे लैपटॉप और अच्छी गुणवत्ता वाले फ़ोन चलाते हैं, तो इसीलिए उन बच्चों को भी ज़रूरी है जो बच्चे गरीब हैं और इसको एफेक्ट नहीं करते। बच्चों को संदेश देना चाहते हैं भैया? बच्चों को एक ही संदेश देना चाहते हैं, भैया समझदार बनो और मेहनती बनो, तभी आसमान की बुलंदी को छू सकते हैं। स्मार्टफोन पाएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? परमपुर श्री बाबा बैजनाथ महाविद्यालय।